हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इसमें हम नेटवर्क एंड एनालिसिस का मेस एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ये मेस एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिए। इसमें हम क्वेश्चन शुरू करेंगे इस वीडियो का, क्योंकि थ्योरिटिकल पार्ट को हमने फर्स्ट लेक्चर में ही कवर कर लिया था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये नेटवर्क दिया हुआ है सर्किट। इसमें आपको I नॉट का वैल्यू पूछा है, फाइंड द I नॉट ऑफ दिस सर्किट। सो यहाँ देखिए, यहाँ 4 I नॉट है, यहाँ I नॉट है। तो इसमें हम मेस एनालिसिस का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप ये मान लीजिए, इसमें हम अपने से 3 इक्वेशन मान लेते हैं। मान लीजिए इसमें 3 मेस है, बेसिकली यह एक मेस है, ये दूसरा मेस है और ये थर्ड मेस है। तो मेस 1 में हमने माना करंट I1 फ्लो कर रहा है, और मेस 2 में हमने करंट डायरेक्शन ऐसे ले लिया और I2, और 3 में हमने ऐसे ले लिया I3। हमारे पास 3 मेस होने की वजह से 3 इक्वेशन बनेंगे, और 3 इक्वेशन बनेंगे I1, I1 और I3। 3 अनोन रहेंगे, तीनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, I नॉट जो आपका I नॉट पूछा है, ये यहाँ पे I नॉट करंट फ्लो कर रही है, ये I नॉट क्या होगी, I1 और -I2 के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में I नॉट है और इसी डायरेक्शन में I1 है, I2 अपोजिट में है, इसलिए I2 माइनस में हो जाएगी। हम आगे देखेंगे इसको। देखिए, इसमें हम KVL अप्लाई करते हैं मेस 1 में। तो देखिए, -24 प्लस 10 I1 प्लस 12 I1, तो यहां से हो जाएगा आपको 22 I1, और आपका जो है I2 इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए -10 I2 हो जाएगा, और यहाँ से -12 I3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से जो ये कांस्टेंट है, इसको राइट साइड ले जाइएगा आप, तो यहाँ से आ जाएगा 21 I1 -10 I2 -12 I3 इक्वल टू 24। एक इक्वेशन आपका यहाँ से निकल गया। सेकेंड मेस में हम सेकेंड KVL यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेकेंड लूप में I2 के लिए। तो यहाँ पे आपका जो I2 का इक्वेशन बन के आएगा, ये बन के आएगा आपका 38 I2 -10 I1 -4 I3 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। यहां से देखिए, यहां से 10, 24 और 4, ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो I2 के साथ, ये I1 माइनस, ये डायरेक्शन अपोजिट है I1 और I2 के, तो इसलिए इस मेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो I1 -10 I1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये I3 जो है ये I2 के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -4 I3 हो जाएगा। थर्ड में भी हम इसमें लूप अप्लाई करेंगे, और थर्ड का जो लूप होगा ये हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, हमने अभी पढ़ाया नहीं है बेसिकली, ये एक्टिव पैसिव में हम बताएंगे, कंट्रोल VCC वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये बेसिकली है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है, ये करंट। तो इसके लिए हम इसमें एक लूप अप्लाई करते हैं, यानी कि KVL अप्लाई करते हैं इसमें। तो ये जो आपका फाइनल आएगा, ये I नॉट इक्वल टू आ जाएगा -12 I1, ये 12 I1 अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्लस 16 I3, और ये 16 ये 12 और 4 16, और -4 I0 है। और आपको पता है, यहाँ से I नॉट की वैल्यू जो है, ये I नॉट यहाँ पे ये डायरेक्शन में है, और I1 हो जाएगा ये, और -I2 इक्वल हो जाएगा, ये आपका I नॉट हो गया। और यहाँ से I नॉट का वैल्यू आपने सेकंड थर्ड इक्वेशन, ये हो गया थर्ड इक्वेशन पुट कीजिएगा, तो आपके पास 3 इक्वेशन हो जाएगा, और 3 अनोन हो जाएगा, और 3 अनोन ये हो जाएगा I1, I2, I3, I2, I1, I3। तो 3 इक्वेशन, 3 अनोन आप इजिली सोल्व कर जाएंगे, ये बेसिक बात है। यहाँ से आपका जो फाइनल I नॉट का वैल्यू आएगी 1.5 एम्पियर आएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये IES में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका सर्किट दिया हुआ है और पूछा गया है फाइंड द I, करंट I का वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा, क्योंकि I यहाँ पर दिया हुआ है, ये है I, ठीक। तो देखिए, इसमें आपको 2 ओम के अक्रॉस 2.5 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे V डैश दिया हुआ 1 ओम के अक्रॉस,
और वी ए बी, यहाँ आप इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच की पोटेंशियल वी ए बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आई फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए जो आपका आई है, ये आपका ये आई करंट है, ये है 4 VAB बाई 3 ओम रेजिस्टेंस प्लस 1 ओम रेजिस्टेंस। अगर इस सर्किट की बात करें, हम सिर्फ इतना सर्किट की बात करें, यहाँ ग्राउंडेड है, यहाँ पे ओपन है। इस सर्किट की बात करें तो आपका यहाँ पे करंट इक्वल टू, आपको पता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, तो आपका वोल्टेज दिया हुआ है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो ये आपका 4 VAB यहाँ पे दिया हुआ है और रेजिस्टेंस है, तो आपको पता है आई इक्वल टू वी बाई आर। तो यहां से आपका 3+1, या आप इसमें केवीएल अप्लाई कर दीजिए, केवीएल अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ -4 VAB और +3I+1I इंटू इक्वल टू 0, तो ये 4I इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 VAB और I इक्वल टू हो जाएगा 4 VAB/4, ये कैंसिल। तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो जा रहा है और ये आ जा रहा है VAB, यानी I इक्वल टू VAB निकल जा रहा है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और KVL अप्लाई भी करके इसे सोल्व कर सकते हैं इजिली। और आपको 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी डैश दिया हुआ है, तो यहां से आप वी डैश इक्वल टू IR, आई आपको पता है VAB है, सॉरी आई आपको करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ पे 1 × I यानी करंट वी डैश इक्वल टू आई हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे KVL अप्लाई कर दीजिए, इस लूप में KVL अप्लाई कर दीजिए, तो यहां देखिए -2.5 वोल्ट प्लस ये प्लस VAB प्लस वी डैश इक्वल टू 0, यहाँ -2.5 और VAB इक्वल टू, आपको VAB ही फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि VAB अगर फाइंड आउट हो जाएगा तो आपका करंट इक्वल टू VAB दोनों इक्वल ही है, तो और आपका वी डैश इक्वल टू आई होगा, आई आपको पता है VAB के इक्वल है, इक्वल टू 0, तो 2 VAB इक्वल टू 2.5 और VAB इक्वल टू 2.5/2 यानी कि 1.25 हो जाएगा। और यहां से आपको पता है VAB निकल गया, तो VAB इक्वल टू आई दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1.25 एम्पियर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखिए देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन इसमें इस साइड का कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ, सिर्फ हम इसमें और इसमें लूप अप्लाई कर दिए। तब आपको क्वेश्चन में ये चीज देखनी होती है गेट में कि कैसे शॉर्टकट मेथड अपनाएं। शॉर्टकट मतलब इधर नेटवर्क, देखिए गेट के लिए नेटवर्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, यानी कि आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, थोड़ी नहीं बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है बेसिकली गेट एग्जाम के लिए। और अदर PSU एग्जाम देने जा रहे हैं तो बस आप बेसिक पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा, लेकिन गेट और IAS जा रहे हैं तो आप पूरी डिटेल में पढ़ के जाइए, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो ये क्वेश्चन बेसिकली प्रैक्टिस का चीज था कि आप इसमें लूप लगाइए और इसमें, तो ये चीज आप वहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये चीजें हो जाए, अगर इसमें आप लूप लगा के फंस जा रहे हैं तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो ये चीज को वहां पे टाइम सेविंग करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक करंट सोर्स है जो 2 ब्रांच के कॉमन में है, तो इसमें अगर आप मेश एनालिसिस का उपयोग करते हैं तो ये डिफिकल्टी हो जाएगी, या इसमें आप 2 करंट ऐसे मान लीजिए I1 ले लिए आप और इधर ले लिए I2 और फिर ये भी करंट सोर्स ही है, तो कितनी दिक्कत होगी, मतलब सोल्व करने में बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। तो एक चीज नोट कर लीजिए, व्हेन करंट सोर्स ब्रांच इज कॉमन फॉर 2 मेश इट इज पॉसिबल टू फाइंड सॉल्यूशन बाय यूजिंग सुपर मेश टेक्निक। इसमें अगर आपके 2 मेश ब्रांच के कॉमन एक करंट सोर्स हो तो आप सुपर मेश टेक्निक अप्लाई करते हैं, सुपर मेश टेक्निक। ये हम तभी अप्लाई करते हैं जब करंट सोर्स 2 मेश जो है आपके दोनों मेश के ये करंट सोर्स एक कॉमन हो, ठीक है, उसके। अब सुपर मेश बेसिकली होता क्या है, जैसे देखिए मेश जो होता है, हम मेश एनालिसिस कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, KVL प्लस ओम्स लॉ उपयोग कर रहे थे, ओम्स लॉ इक्वल टू वी इक्वल टू IR
और केवीएल एंड वोल्टेज जो दिया हुआ है उसको। सुपर मेश में होता क्या है, इसमें हम तीन चीज उपयोग करते हैं, केवीएल प्लस केसीएल प्लस ओम्स लॉ। ये इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखिए, सुपर मेश में क्या करते हैं, हम बाहरी बाहरी सर्किट को ले लेते हैं। सुपर मेश आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके किसी मेश एनालिसिस में नहीं, नोडल एनालिसिस में भी इसका बहुत ही यूटिलाइजेशन है इस चीज का। तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई, सुपर मेश अप्लाई हम कर रहे हैं -10, इस यहाँ पे हम एक -10 प्लस रेजिस्टेंस 1 इंटू करेंट I1, हमने यहाँ पे करेंट इस लूप में यानी इस मेश में I1 माना है और इस लूप में I2 माना है, और प्लस 1 into I2 इस लूप में हम आ गए हैं। देखिए हम सुपर मेश ऐसे लगाते हैं, ऐसे समझे, ये कॉमन है करंट सोर्स, इसलिए हम सुपर जो मेश होता है वो बाहरी बाहरी हम लगाते हैं, और ये बहुत जगह अप्लाई होगा। इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी, टेक्निक है एक तरह का, ये बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, बहुत टाइम आपका बच जाता है। तो यहां से 1 into I2 और प्लस 5 volt इक्वल टू 0, ये आप इसमें आपने अप्लाई किया केवीएल अप्लाई किया, और ये आपका एक तरह का सुपर टेक्निक मेश है, सुपर मेश टेक्निक है। और यहां से आपका I1 और प्लस I2 इक्वल टू 5, एक इक्वेशन यहां से निकल गया। दूसरी इक्वेशन में देखिए, यहां पे आप इसमें कॉमन है ये 2 ओम, तो देखिए ये करंट का डायरेक्शन ऊपर है और I2 आपका करंट डायरेक्शन कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन I1 नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, I2 माइनस I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, ये दिया हुआ है आपके सर्किट डायग्राम से। देखिए I1 माइनस I2 और माइनस I1 इक्वल टू 2 एम्पियर यहाँ पे दिया हुआ है। तो दो इक्वेशन आ गया, दो अनोन आ गया, तो आपको तो आप इजीली निकाल लीजिएगा। आपसे पूछा है लूप करंट, लूप करंट I1 एक लूप करंट हुआ, I2 ये दूसरा लूप करंट हुआ, और दो इक्वेशन है, इसको सोल्व कीजिएगा तो I1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.5 एम्पियर एंड I2 आ जाएगा 3.5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बहुत टफ है, जैसे गेट आईएसएम पूछा जाता है। बेसिक जो क्वेश्चन होता है, मान लीजिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये वोल्टेज दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस लूप में, और इसमें आपको करंट पूछती है, ये पैरेलल है बेसिकली, यहाँ भी एक वोल्टेज सोर्स दे दिया हुआ है, तो इसमें और इसमें आपको करंट पूछ ले, तो इजिली आप केवीएल अप्लाई कर लीजिए, इस दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल है तो इसे पैरेलल फार्मूला अप्लाई करके और दो इसमें मेश बन जाएंगे और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, तो मैं आपको गेट और आईएएस के लिए बेसिकली ज्यादा फोकस कर रहा हूं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका नेटवर्क सर्किट दिया हुआ है और आपसे इसमें पूछा है डेवलप मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द नेटवर्क। इसमें आप जो ये आपका एक मेश हुआ, एक मेश ये हुआ और एक मेश यहाँ पे हुआ, तो इस मेश के जो तीन इक्वेशन हो गया उसको आप डेवलप कीजिए, यानी उसको बनाइए, ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका I2, ये हो गया आपका I1 और ये मान लेते हैं हम I3, हमें तीनों का इक्वेशन बता ड्रॉ करना है। तो बेसिकली आप केवीएल और केसीएल का रूल का अप्लाई करते जाइए और इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें इस ब्रांच और इस ब्रांच में इसमें ये कॉमन जो करेंट सोर्स है ये, ठीक, सबसे पहले हम इसमें सुपर मेश थ्योरम अप्लाई करते हैं, और ये सुपर मेश थ्योरम जो है हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, ठीक। तो देखिए ये हो गया आपका -VS प्लस R1 into I1, इस R1 के थ्रू I1 पास कर रहा है, इंटू प्लस I2 into R2, ये आपका I2 करंट इसमें पास कर रहा है R2 के, और प्लस I3 into R3, ये आपका R3 के अक्रॉस आपको एक VX वोल्टेज भी दिया हुआ है और ये आपका पास कर रहा है। तो ये हो गया आपका सुपर और इक्वल टू 0, ये सुपर पोजिशन सुपर मेश टेक्निक के थ्रू इसको हमने इक्वेशन को लिखा है। नेक्स्ट जो है, एक चीज देखिए इसमें, इस लूप और इस लूप में देखिए एक करंट ऐसे पास कर रहा है I2 और I1 ऐसे पास कर रहा है, इन दोनों के डिफरेंस जो है वो VX/2, ये बेसिकली करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो यहां से आपका एक इक्वेशन निकला I1 के डायरेक्शन में ये है, तो यहाँ पे I1 और -I2 इक्वल टू हो गया VX/2,
एक इक्वेशन ये निकला, एक इक्वेशन ये हो गया, दो इक्वेशन हो गए। और तीसरा इक्वेशन देखिए वी एक्स है, और ये वी एक्स इसमें हम लूप अप्लाई करें तो वी एक्स इक्वल टू आर थ्री इंटू आई थ्री। ये तीन इक्वेशन डेवलप हुए। फर्स्ट जो डेवलप हुए वो हुए केवीएल की वजह से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सेकंड जो हुआ केसीएल की वजह से किरचॉफ्स करंट लॉ। केवीएल केसीएल हमने प्रीवियस लेक्चर में सब डिस्कस किया हुआ, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं, नेटवर्क एनालिसिस का प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी वीडियो देख लीजिए। इसमें हमने सिर्फ ओम्स लॉ अप्लाई किया है, ठीक, ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, तो इसमें करंट और आई का ही पोजिशनिंग है। तो देखिए जो क्वेश्चन थे जो गेट लेवल के मैंने अभी कराए हैं, और कुछ गेट का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे जब पूरे नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस और बेसिक नेटवर्क थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम गेट का क्वेश्चन करेंगे 10 ईयर प्रीवियस 10-20 ईयर के अराउंड ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी को हम डिस्कस करेंगे और आईएएस के भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो क्वेश्चन रिलेटेड, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप माई अकेडमी को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 7503304182, इसमें ऐड मी करके मैसेज कर दीजिए। इसका फायदा आपको ये होगा कि आपके मोबाइल पर डायरेक्ट हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप इजीली आप वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।